नमस्कार, मैं विद्यांशी द्विवेदी और आप देख रहे हैं द स्कूप बीट्स डॉट कॉम। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोपी मोहम्मद इब्राहिम की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हां, आरोपी मोहम्मद इब्राहिम ने अपने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस जमानत को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ये पूरे दंगे पहले से ही प्लान किए गए थे। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि दिल्ली में हुए ये दंगे कुछ पल के नहीं थे, बल्कि इनको पहले से ही प्लान किया गया था। इस पूरे दंगे के पीछे किसी की साजिश बताई जा रही है। जी हां, दिल्ली में 2020 में हुए इन दंगों में काफी सारे मासूमों की जान भी चली गई थी। लगभग 53 लोगों की मौत हो गई थी और 550 लोग घायल भी हो गए थे। दिल्ली में हुए इस दंगे ने राजधानी को हिला कर रख दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि दिल्ली सरकार और कानून व्यवस्था को तितर बितर करने के लिए ये पूरी साजिश की गई है। हाईकोर्ट ने बताया कि जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में दंगाइयों का आचरण सामने आ रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये पूरी घटना एक साजिश के तहत की गई है। सीसीटीवी में दंगाइयों के हाथों में खतरनाक हथियार देखे जा सकते हैं और इसके साथ ही दंगाइयों को भीड़ को भड़काते हुए भी देखा जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरह दंगाइयों ने एक पुलिस बल को बुरी तरीके से लाठियों और डंडों से पीटा, इसके अलावा एक हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत भी हो गई थी। इनके मौत के पीछे मोहम्मद इब्राहिम को बताया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद इब्राहिम के वकील ने इस पूरी याचिका के सुनवाई के दौरान इस बात को सामने रखा कि हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत मोहम्मद की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से हेड कांस्टेबल रतन लाल को गोली लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में मोहम्मद के हाथों में तलवार दिखाई दे रही थी। आरोपी की बात को काटते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में मोहम्मद के हाथ में तलवार दिखाई दे रही है, वो उनके आचरण को साफ कर देता है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया कि जिस जिस जगह से भीड़ आगे बढ़ रही थी, वहां वहां के सीसीटीवी कैमरे को या तो नष्ट कर दिया गया था या तो उन्हें बंद कर दिया गया था, जिससे एक साजिश की बू आती है। दिल्ली हाईकोर्ट का ये भी कहना था कि दंगाइयों ने भीड़ को भड़काने की कोशिश की थी और उसी दौरान कुछ मासूम लोगों को भी पीटा था, जिससे उनकी मौत हो गई। इस पूरी सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता का किसी भी तरीके से गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए और इब्राहिम यानी मोहम्मद इब्राहिम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल द स्कूप बीट को फॉलो करना ना भूले। कैमरा पर्सन आयुष श्रीवास्तव के साथ मैं विद्यांशी द्विवेदी, द स्कूप बीट्स डॉट कॉम।